फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अस्ट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस लेट्स चेक वॉट इज द लॉजिक फॉर दैट मुझे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है लिस्ट में से और ये चीज बहुत सिंपल है, है कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं माई लिस्ट इक्वल टू लेट्स टेक द वैल्यू समथिंग लाइक दिस ओके दिस इज द वैल्यू वेरी गुड नाउ इसमें से मुझे फर्स्ट और सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है अगर हम देखे तो और बहुत सिंपल है राइट एंड यूजिंग दिस वी कैन शॉर्ट द एलिमेंट राइट यहाँ पे कौन ज्यादा आगे उसकी वजह से राइट एंड आफ्टर शॉर्टिंग इट लेट्स प्रिंट और चेक करते हैं कि भाई ये शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ दिस इज अ फर्स्ट टास्क सो शॉर्ट फंक्शन बाई डिफॉल्ट आपका सेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है एंड यू कैन सी हेयर की इसने श्या है ओके जीरो सिक्स एट नाइन ना आउट ऑफ दैट वी कैन डू एक्टली वॉन्ट द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सो यू नो दफ्ट करने की के के चीजें तो सारे एलिटॉर्ट है कमेंट कर देता हूँ पुट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ठीक है ओके सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज कमिंग ओके यहाँ पे हम इसको प्रिंट करने की जगह पर मैंने कमेंट कर दिया है सो लेट्स रन अगेन नाउ यू कैन चेक गाइस कि यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपका जो पोजीशन नंबर है वो कहाँ पे है ठीक है सो so जीरो पे है तो डायरेक्टली आप इंडेक्स नंबर फाइव को एक्सेस कर लीजिए एंड दैट इज वेरी सिंपल सो वी कैन जस्ट पुट द स्क्वायर स्क्वास एंड वी आर एबल टू प्रिंट द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एंड दैट इज वॉट अवर एट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ठीक है ये प्रीवियस लिस्ट में आप देख सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्योंकि यहाँ से हम स्टार्टिंग से नहीं ले सकते हैं जीरो uh, या वन पोजिशन बिकॉज ये स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं हम लोग ठीक है एलिमेंट है यहाँ so पे तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हम सबसे लास्ट पोजिशन पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे यहाँ पे है ठीक है, है इसको हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं माइनस टू उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस दिस इज वेरी क्लियर क्वेश्चन कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं राइट वी आर जस्ट फाइंडिंग द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ओके आई होप ये क्लियर हुआ होगा सभी को